मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबके अंदर एक आवाज है, उसे आप गट फीलिंग को, हार्ट की फीलिंग को, इमेजिनेशन को, वो कंटिन्यूअस आवाज आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है। दिन में 40,000 थॉट्स आते हैं आपके ऐसे 40,000। मैं ये सारे थॉट्स और आइडियाज एक नोटपैड पे लिख लेता हूँ अपने पास और फिर बाद में देखता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। आप इसे भगवान की आवाज भी कह सकते हो, अपनी खुद की आवाज भी कह सकते हो, अपने दिल की आवाज भी कह सकते हो। आप शर्मा जी के बेटे हैं, ठीक है? आप सारे सीरियसली इसे इसके पीछे फॉलो करेंगे, मार्च पास करेंगे, ठीक है? इसके चक्कर काटने होंगे, डन? बस आप आगे आइए गाइस, प्लीज चेयर पर तक तुम्हारे लिए कर रहे इधर ले आओ। आप पांचों लास्ट में जाओगे, रैंप वॉक करिए कभी लास्ट में जाइए आप भी। एक बार 360 घूम के दिखाइए सबको, जरा चेकआउट करा देंगे तो कैसा दिख रहा है। एक बार 360 अच्छे से देख लो।
कोई मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकता है अगर मुझे एक और अमन चाहिए आज की डेट में? एक और एग्जैक्टली वही पेरेंट्स, एग्जैक्टली वही नेचुरल डिजास्टर्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन? तुम एक और पैदा कर सकती हो? एनी अदर? बस शुक्र है लास्ट वाले इवेंट में लोग कहते हैं दो बूंद बस, इट्स सो बैड बट यार सो साइंटिस्ट ने प्रोबेबिलिटी निकाली है दैट इज 1:40,000 crore. एक और अमन के लिए, एक और आज की डेट में एग्जैक्ट पेरेंट्स एग्जैक्ट नेचुरल कैलामिटीज के लिए अगर पैदा करना है तो 1:40,000 crore इज अ प्रोबेबिलिटी. तो यस, भगवान ने आप सबको अपने तरीके से यूनिक बनाया है. वो यूनिकनेस क्या थी वो आपको अभी अपने इनोवेट करके देखना था. थैंक यू अमन, यू कैन सिट. मुझे पता है अगले डिजिटल गांधी आप है, तो इस वजह से मैं वो सारे आइडियाज अपने वीडियोस के थ्रू या अपनी बुक 5-year-old billionaire के थ्रू शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का सारा ज्ञान एक बच्चे में पहले से था. याद रखिए दैट हिस्ट्री विल नो योर नेम बिकॉज यू विल प्ले अ डिफरेंट गेम.